अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हमजा फ्रॉम कट ऑफ साइंस। आज हम ऑफ्थैल्मिक डिस्पेंसिंग और कॉन्टैक्ट लेंसेज के दूसरे पार्ट ऑफ्थैल्मिक डिस्पेंसिंग को देखेंगे। और डिस्पेंसिंग का ऑफ्थैल्मोलॉजी में क्या रोल है। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है बनाना कुछ। अब डिस्पेंसिंग होती है जैसे डिस्पेंसरी होती है, उसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उनको डिस्पेंस किया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो डिस्पेंसिंग ऑफ्थैल्मिक में क्या है, ऑब्वियसली स्पेक्टिकल्स बनाना, ठीक है। स्पेक्टिकल्स बनाने को डिस्पेंसिंग ऑफ्थैल्मिक डिस्पेंसिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सारी हर तरीके से स्पेक्टिकल्स के लिहाज से हर उसकी चीज़ को पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, शेप को, साइज़ को, ठीक है। और ये सारा कोर्स कॉन्टेंट है और ये भी हमने अलहदा चैप्टर है डिस्पेंसिंग का पुराना में, उसी से ही पढ़ना है हमने, वही हमारे लिए काफ़ी है। और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सिस्टम फॉर ऑफ्थैल्मिक डिस्पेंसिंग के नाम से एक बुक है, उससे भी पढ़ सकते हैं। उससे जो उसके पहले 3-4 चैप्टर्स हैं, उसमें मटेरियल के लिहाज से और सेंट्रेशन और आईपीटी मेजरमेंट्स के लिहाज से, जो आई साइज़ के लिहाज से स्पेक्टिकल मेजरमेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसमें और इसके एंड पेजेस पे जो स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स हैं वो भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आप पढ़ लें। और अब ये पहला जो हमारा टॉपिक है, ये ऑफ्थैल्मिक लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज, यानी लेंसेज की कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्लस लेंसेज होते हैं, माइनस लेंसेज होते हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। शेप्स होती हैं डिफरेंट स्पेक्टिकल की, हुराना में लिखा हुआ है। लेंसेज और फ्रेम्स की टाइप्स, ये भी लिखी हुई हैं। स्पेक्टिकल फ्रेम मेजरमेंट्स है, सारी बातें। लेंस मीटर है, ओपीडी मेजरमेंट्स। लेंस मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंस की पावर को मेजर करते हैं, ये हम ओपीडी में यूज करते रहते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल फ्रेम मेजरमेंट्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने सिस्टम फॉर ऑफ्थैल्मिक डिस्पेंसिंग से पढ़ना है ये चैप्टर। सेंट्रेशन एंड डिसेंट्रेशन इफेक्टिव रिजल्ट, ये आपको उसी में से मिल जाएगा पुराना में। स्पेक्टिकल टेंट्स, ये आप स्पेशल इसको आपको पढ़ना पड़ेगा गूगल वगैरह से, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं है, सिस्टम में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। टेंट्स वर्सेस डाइज, ये आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन सा टेंट किस कलर काम आता है, रेड कलर, रेड टेंट, ये सब आपको बताएँगे इंशाल्लाह। ये स्पेशल वीडियोस में आपको इंशाल्लाह आपको डिटेल में हम कुछ समझाएंगे, आपको बताएंगे भी, ठीक है। और ये वर्टेक्स डिस्टेंस, वर्टेक्स पावर, इसका स्पेक्टिकल्स में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। वर्टेक्स डिस्टेंस होता है स्पेक्टिकल्स की बैक लेंसेज का, जो स्पेक्टिकल का जो लेंस है उसकी बैक सर्फेस से लेकर आई का जो कॉर्निया का एपेक्स है वो उसका डिस्टेंस को वर्टेक्स, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। उसके खास उसकी वजह से जो पावर होती है वो होती है वर्टेक्स पावर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको वर्टेक्स डिस्टेंस के बारे में आपको बता दिए। और ये वही स्पेक्टिकल फ्रेम्स की टाइप, एक्सिस चार्ट, ठीक है, ये भी है, ये भी हम बताएंगे आपको। लेंस मीटर टाइप्स, लेंस मीटर की है, लेंथ, बाईफोकल फिटिंग, बाईफोकल्स होते हैं जिसमें दो पावर्स होती हैं स्पेक्टिकल्स की, यानी एक नियर की और एक डिस्टेंस के लिए, एक ही लेंस पर प्रोग्रेसिव लेंसेज, ये इनको भी आपको डिटेल में पता होने चाहिए, पुराना में लिखे हुए हैं। मटेरियल यूज डिस्पेंसिंग, ये मैं आपको बताया कि आप सिस्टम फॉर ऑफ्थैल्मिक डिस्पेंसिंग भी देख सकते हैं। पीडियाट्रिक डिस्पेंसिंग, ये कहीं भी आपको मिलेगी नहीं, जिसके आप गूगल पे स्लाइड शेयर पे, वो भी हम इसको आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वो आप देख लें। और डिस्क्रिप्शन मेड मिस्टेक्स कॉमनली मेड, ऑटो एजरी भी लिखा हुआ है, तो ये सारा इसी तरीके से हमें पढ़ना है। और लगता है इजी, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में पूछा जा सकता है और इसमें काफ़ी आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी ताकि अगर आप अच्छे तरीके से डिस्पेंसिंग कर सकें। डैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू अल्लाह।